हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। काफ़ी समय बाद आज मुलाकात हो रही है आप लोगों से। कुछ समय के लिए मैं बिज़ी हो गई थी, नहीं अपडेट कर पा रही थी, उसके लिए वेरी वेरी सॉरी। बट आज आप लोगों से मिल करके बहुत अच्छा लग रहा है। वापस से डिस्कशन, गॉसिप्स एंड काफ़ी सारी चीज़ें शुरू हो जाएंगी। काफ़ी गर्मी हो रही है बाहर, तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ इट। बाहर गर्मी से निकलने से पहले थोड़ा सा अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलें, थोड़ा सा मुंह बांध लें और कोशिश करें कि धूप से जैसे ही तुरंत आते हैं घर या किसी के यहाँ जाते हैं, कहीं पे भी जाएं आप, तुरंत पानी ठंडा ना पिए, उससे आपको दिक्कत हो सकती है। और बाकी क्या पूछूं मैं, मुझे समझ नहीं आ रहा, बट अच्छा लग रहा है कि एज़ यू नो जून चल रहा है, सबकी दीदी भैया भाभी सब लोग अपने अपने घर जाते हैं। तो हमारे यहाँ भी दीदी आई थी, उनके दो छोटे छोटे बच्चे हैं, इतने शरारती हैं कि हद से ज़्यादा। एक तो कार का दीवाना है छोटा बेबी जो है उनका, और बड़ी वाली लड़की तो चलो अब समझदार हो गई है, बट अच्छे हैं, दोनों ही क्यूट हैं, दोनों ही प्यारे हैं, बस मौसी की छाती पे लदे रहते हैं। बट मज़ा आ रहा था हम लोग के साथ भी। भाई जितनी भी मासियाँ हैं आज, मतलब मेरे ख्याल से 101% मैं गारंटी लेती हूँ कि जब भी सिस्टर्स लोग मायके जाती हैं तो बच्चों की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ मासी की होती है, माँ की नहीं होती है। सो मैं इतना बिजी थी कि मैं बता नहीं सकती, बट घर में क्राउड था, बड़ा मज़ा आ रहा था सबके साथ हंसना बोलना दिन भर का। और बच्चों की शू पॉटी मौसी के मत्थे थी। बट चलो कोई बात नहीं, अच्छा लगता है। और खूब बच्चों ने भी खूब इन्जॉय किया, हम लोगों ने भी खूब इन्जॉय किया। एंड गेस व्हाट, पता है वो दीदी जो है मेरी, वो भी यूट्यूबर हैं और उनके अभी ही मतलब शायद 13-14 में ही, 13-14 तारीख को ही उनके 1 लाख सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। मेरे कब होंगे, प्लीज़ बढ़ा दो। बट चलो कोई बात नहीं, हो जाएंगे। उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया एंड शी इज़ एक्चुअली वेरी टैलेंटेड। स्टार्टिंग से ही उनका एक था कि वो मेहंदी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेती थी, तो मेहंदी से कर करके सॉरी कर करके उन्होंने एक मुकाम हासिल कर लिया। और उन्हें देख के मैं भी इतनी ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ। एक्चुअली ये जो पूरा यूट्यूब का कॉन्सेप्ट था ना, मैं उन्हीं से ही सबसे ज़्यादा इंस्पायर्ड थी, बिकॉज उनकी जो लगन थी ना, उन्होंने मुझे इतना इनकरेज किया कि हाँ नहीं करना चाहिए यार, आप करो, कुछ कर सकते हो, ये है वो है। और मैं आप लोगों को ही बोलूँगी कि अगर वाकई में आप में कोई टैलेंट है, हालांकि हम तो ऐसे ही हैं, ठीक है, अगर आप में कोई टैलेंट है तो आप प्लीज़ दिखाओ। आजकल तो YouTube एक ऐसा माध्यम बन गया है लोगों के लिए कि आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी किसी के सामने रख सकते हो, ठीक है। सो बस थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ता है, थोड़ी सी लगन कह लो। जैसे आप जॉब कर रहे हो, जितने भी आप लोग हैं, जितने में से आप जॉब करते हो, आपके लिए एक टाइमिंग होता है कि नहीं आपको सुबह उठना है, अपना काम करके अपने ऑफिस में जाना है या जहाँ पे भी आप जाते हैं जाना है, एक रूटीन होता है, ठीक है। तो एज इट इज़ आप इसको लेकर चलो, तो क्यों नहीं कर सकते? मुझे तो लगता है कर सकते हैं। मैंने दीदी को मेरी आंखों का खुद का क्या कहते हैं, एक मतलब मैं बताऊँ आपको क्या बोलते हैं उसको, लाइव एग्जाम्पल कह लो, है वो मेरे लिए। सो हैड्स ऑफ एंड दीदी को बहुत बड़ी बहुत 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 बधाई उसके लिए। एंड आई एम सो हैप्पी, वेरी वेरी हैप्पी फॉर हर। एंड उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों की वजह से एक दिन मैं भी इतनी बड़ी यूट्यूबर बनूंगी। फिर आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बस ये बताने के लिए था कि अब से मैं डेली, नॉट डेली बट एज सून एज अवेलेबल रहूँगी, अपडेट करती रहूँगी। सो प्लीज़ कीप इन टच विद मी एंड आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब तो कर दो 1 लाख, नहीं तो 1,000 ही करवा दो। बट नहीं, चलिए आपकी श्रद्धा है। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है देखने में, इंटरेस्ट लेते हैं या मज़ा आता है, आपको थोड़ी देर के लिए हंसी खुशी या कुछ मिलता है, तो आप प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और प्लीज़ टच में बने रहें। बाय बाय, टेक केयर।